मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों के सो आज हम बात करने वाले हैं सुगंधित सिरप के बारे में। सिरप के क्या फायदे क्या नुकसान है इसमें पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह आपकी याददाश्त बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ यह आपके दिमाग को तेज करेगा और इसी के साथ साथ यह दोस्तों अगर आपको नींद ना आना डिप्रेशन के कारण अगर आपको नींद नहीं आती है पूरी रात हो जाती है तो दोस्तों उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपके मन में चिंता तनाव डिप्रेशन दूर करने के लिए दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपकी दिमागी कमजोरी आ रही है आपके अंदर तो दोस्तों इस दिमागी कमजोरी में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपके दिमाग में दर्द होता हो उस दिक्कत में भी आप इसको ले सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों याददाश्त की कमजोरी को दूर करता है यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ यदि आपकी मेमोरी लूज होती जा रही हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। दोस्तों यह प्रोडक्ट आपकी रेटेशन पावर को बढ़ाता है और मिर्गी वाले लोगों में भी यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा फायदेमंद दिखा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह अच्छी नींद आने में भी आपकी बहुत फायदेमंद करता है यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ दिमाग को रिलैक्स रखता है और यह एंजाइटी की चिंता दूर डिप्रेशन सभी को दूर कर देता है। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों आप दिन रात करके पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं याद नहीं होता, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपका सब याद होगा। और उम्मीद करता हूँ आप अपनी सफलता में आप अपने अच्छे रिजल्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो इस प्रोडक्ट का यूज करने के बाद। दोस्तों यह दिमागी हालत को ठीक करता है यानी कि दिमाग में किसी भी अन्य प्रकार की कमी हो उन कमी को दूर करने में देखा गया है। और इसी के साथ साथ ये दिमागी हालत को ठीक करता है यानी कि जो जो मैंने आपको ये बात बताई है पीछे पीछे जो पॉइंट बताए हैं इन सभी को ठीक करके ये प्रोडक्ट आपके माइंड को फ्रेश करके और नया उपजान दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर उनकी उम्र के ऊपर उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों थी अश्वगंधा सिरप की इंफॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।